बिहार की वास्तविकता बयां करने के लिए आप सबको यहां बुलाना आवश्यक था, क्योंकि नीतीश सरकार में चारों ओर कूड़े का ढेर और पीने के पानी में अंधेर। बिहार में नीतीश और सुशील मोदी सरकार ने, बिहार में भाजपा और जदयू सरकार ने आकाश यानी वायु प्रदूषण, धरती यानी कूड़े का ढेर और पाताल यानी जल प्रदूषण, उससे पूरा बिहार कांप उठा है। बिहार की हवा, पानी और जमीन सबको नष्ट कर एक जुमलेबाज जो आज आए हैं और एक धोखेबाज जो बिहार की सत्ता में हैं, वो तरक्की के नायक का मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं। पर वास्तविकता ये है, न केवल जलवायु, जमीन और भूजल को अपवित्र 15 सालों में जदयू और भाजपा की सरकार ने किया, बल्कि भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ा दिया और उसकी सच्चाई और वास्तविकता आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बिहार की पटना की राजधानी का केंद्र है, जब इसकी ये हालत है तो बाकी बिहार की क्या होगी। बिहार के लोगों को न केवल जहरीला पानी पीने के लिए बाध्य किया गया, बल्कि बिहार के शहरों को नीतीश सरकार ने एक बड़े कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है, जिसकी सच्चाई आपके पीछे है। सिलसिलेवार मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा कि बिहार की बदहाली, बिहार को जहरीला पानी पिलाने और बिहार में 15 सालों में कूड़ा करकट फैलाने की भारतीय जनता पार्टी और जदयू सरकार की सच्चाई क्या है। पहला, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का खुलासा, बिहार में है कूड़े के ढेर। ये केवल वो सच्चाई नहीं जो मेरे पीछे दिख रही है आपके कैमरा को, बल्कि भारत सरकार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 आया है, उसके मुताबिक 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले 47 शहरों में बिहार की राजधानी पटना सबसे गंदी देश में पाई गई। यही नहीं, इसी प्रकार 1 से 10 लाख की आबादी वाले 382 शहरों की सूची जारी की गई, जिसमें बिहार के 26 शहर देश में सबसे गंदे पाए गए। साथियों, शहरों की सूची में सफाई के मापदंड पर बिहार का पवित्र शहर गया 382 नंबर पर है, बक्सर 381 नंबर पर है, भागलपुर 379 नंबर पर है, परसा बाजार 378 नंबर पर है, बिहार शरीफ 374 नंबर पर है। बिहार के सारे शहर सफाई की सूची में देश की 255 नंबर के बाद ही शुरू होते हैं। कूड़े की गंदगी की स्थिति का अंदाजा आप केवल इसी से लगा सकते हैं। बिहार के जो पूरे देश के 62 छावनी क्षेत्र हैं, उनमें भी दानापुर छावनी देश में सबसे गंदी पाई गई। ये बिहार की सच्चाई है, क्योंकि पूरे बिहार को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया। अब अदालत ने क्या कहा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसने ये कहा कि बिहार में कूड़ा कचरा की आपात स्थिति है। साल 2019 के आखिर में राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बिहार में भयावह कूड़े कचरे की स्थिति से चिंतित होकर कहा कि बिहार में इमरजेंसी के हालत है कूड़ा कचरा के मामले में। बिहार के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर उन्होंने चिंता जाहिर की और ये कहा कि पटना शहर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित, वायु के हिसाब से प्रदूषित शहर है। यही नहीं, ये भी कहा कि बिहार में 4000 लोग वायु प्रदूषण से हर साल उनकी मौत हो जाती है। ये भी कहा कि 40% बिहार की जमीन में आर्सेनिक है, यानी लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। ये बिहार की सच्चाई मैं नहीं, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बताई।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।